की गई है नगरपालिका की ओर से। हम लोग जो है यहाँ पे स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन के लिए जो है तीन चरणों में जो है अपने 26 वार्डों को विभाजित किया है, और उसमें पहले चरण में जो है हमारा 2 तारीख से 4 तारीख तक जो है पहला चरण रहेगा। उसके बाद जो है हमारा दूसरा चरण जो है फिर शुरू होगा, वो 5 से 7 तक का होगा, और तीसरा चरण जो हमारा होगा 8 से 10 तारीख। पहले चरण में हमने 9 वार्ड दिए हैं, जिसमें वार्ड नंबर 9 सिविल लाइन्स पश्चिम है, 22 नंबर वार्ड मोबाइल पूर्वा है, 15 नंबर वार्ड बोर्डिंग हाउस है, वार्ड नंबर 1 आलूपुर उत्तरी है, 16 नंबर वार्ड हमारा आलूपुर दक्षिणी है, 26 नंबर वार्ड हमारा वैटगंज उत्तरी है, वार्ड नंबर 4 हमारा ऊंचा थोक है, वार्ड नंबर 13 हमारा देवी पूर्वा है, वार्ड नंबर 12 सराय थोक है। ये हमारा 2 से 4 वाला जो प्रथम चरण है उसमें है। द्वितीय चरण हमारा जो 5 से 7 तारीख को शुरू होगा, उसमें हमारा जो है वार्ड नंबर 8 लक्ष्मी पूर्वा है, वार्ड नंबर 19 मोमिनाबाद है, वार्ड नंबर 25 सराय थोक पूर्वी है, वार्ड नंबर 17 वैटगंज दक्षिणी है, वार्ड नंबर 10 महर्षि वाल्मीकि नगर है, वार्ड नंबर 20 बहरा सौदागर पश्चिमी है, वार्ड नंबर 21 अस्कर टोला है, वार्ड नंबर 24 बहरा सौदागर मध्य है, वार्ड नंबर 18 बहरा सौदागर पूर्वी है। तीसरा चरण हमारा 8 से 10 तारीख को शुरू होगा, इसमें वार्ड नंबर 2 सिविल लाइन्स पूर्वी है, वार्ड नंबर 6 चंदी पूर्वा है, वार्ड नंबर 3 पैनी पूर्वा है, वार्ड नंबर 23 रेलवे गंज मध्य है, वार्ड नंबर 11 लाइन पूर्वा है, और वार्ड नंबर 14 नई बस्ती है, वार्ड नंबर 5 मंगली पूर्वा है, वार्ड नंबर 7 आवास विकास कॉलोनी है। इन तीन चरणों में जो है हम लोग जो है थर्मल स्कैनिंग करेंगे और सैनिटाइजेशन का काम करेंगे। साथ साथ जो है शासन के और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश थे कि जो है आरोग्य सेतु जो है घर घर लोड कराया जाए, तो काफ़ी लोगों ने लोड किया हुआ है ऐप को, और जिनके छूटे हैं हमारे कर्मचारी जो है उनको भी जो है घर में जाकर लोड कराएंगे, एक एक घर हम सैनिटाइज करेंगे, और पूरा जो भी गली होगी वो सैनिटाइज करेंगे, डॉक्टरों की पूरी टीम रहेगी जो थर्मल स्कैनिंग करेगी। सर, आवश्यक वस्तु की दुकानें क्या कौन कौन सी खुलेगा? लॉकडाउन के समय में जो एरिया लॉकडाउन में रहेगा वहाँ कोई भी वस्तु जो है सामग्री नहीं बिकेगी, इसलिए जो है हमने अनाउंसमेंट भी करा दिया है, पेपर में भी दे दिया था कि सभी लोग अपना 3 दिन जो एरिया लॉकडाउन रहेगा उसमें लोग अपने जो भी राशन वगैरह है उसकी व्यवस्था कर लें। हमने दूध के लिए जो है एक व्यवस्था की हुई है, उसमें हम एक नंबर पर आपको भी बता दे रहे हैं, वो नंबर जो है जनता तक पहुंच जाए, 9120003313। इस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको जो भी दूध की आवश्यकता होगी वो व्यक्ति आपके घर जो है होम डिलीवरी करेगा, ये व्यवस्था हम लोगों ने की। और किसी व्यक्ति को अगर दवा वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो मेरा नंबर है 9451215127। इस नंबर पर अगर किसी को बहुत ही आवश्यकता महसूस होती है कि उसे किसी इस तरह की कोई हार्ट का पेशेंट है या किसी इस तरह का पेशेंट है, तो उनके लिए भी कुछ दवा की जो है हम लोग दुकानों से नगर पालिका के कर्मचारी के द्वारा उस दवा को वहाँ तक